साल 2020 समाप्त होने से कुछ दिन पहले एक बड़े उल्कापिंड के पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने की आशंका है। दरअसल एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और ये कोई छोटा मोटा उल्कापिंड नहीं है, बल्कि इसका साइज 510 मीटर तक हो सकता है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग दुबई की बुर्ज खलीफा जितना है। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के 43,02,775 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला है। इस उल्कापिंड का नाम 2000WO107 है। इससे पहले भी एक एस्टेरॉयड धरती के बेहद पास से गुजर गया था और वैज्ञानिकों को इसका पता भी नहीं चला था। नासा ने कंफर्म किया है कि ये उल्कापिंड नवंबर 29 यानी रविवार को धरती के पास से गुजरेगा। ये उल्कापिंड 56,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। इस उल्कापिंड का साइज 370 मीटर और 820 मीटर के आसपास बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि बुर्ज खलीफा की हाइट 829 मीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। ये रविवार को 1:08 के आसपास पृथ्वी के पास से गुजरेगा। नासा ने इस उल्कापिंड को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाला है। ये एक पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड है। इसकी खोज न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने 29 नवंबर 2000 को की थी, और वो तब से ही इसे ट्रैक करने में लगे हैं। इस उल्कापिंड की गति काफ़ी तेज है, जिसे वैज्ञानिक एक खतरा मानते हैं। हालांकि नासा का साफ कहना है कि ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराने वाला। दोस्तों, आपको इस उल्कापिंड के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।